अगर कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जाएं तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया फॉर बिजनेसेस फॉर ट्रेड। अगर हेड ऑफ द स्टेट एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज होती है, एक बुल्क चलाते हुए वजीर आजम के ऑफिस पे वहां बैठ कर बात कर, मसलन में मोदी साहब के साथ वो सीन कराए थे अगर आपको याद हो, तो इन्होंने उनके साथ रबते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया मोदी साहब एंड कंपनी ने, तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको याद स्मॉल पीपल लाइक ये बिग प्लेसेस, तो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था कि ये नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं सुनते। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है। इंडियन लॉबीज ऐसी कर रही है कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है उनको मेरा हाल है किसी हद तक दबाव भी बनाया जा रहा है और कॉन्शियसली भी किया जा रहा है, क्योंकि वो होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर ले रहे हैं डॉलर ले रहे हैं, कीमत जा रही है कीमत जा रही है, तो इतनी डॉलर की डिमांड हो गई है और ये खदशा है, मैं अल्लाह ना करे कि मैं सही साबित हूँ, ये कुछ ही दिनों में 180 हो जाएगा। ये अल्लाह ना करे यार, नहीं हम ये नहीं कहते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जाए तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। पूरी दुनिया जो है फॉर बिजनेसेस फॉर ट्रेड, सब कैसे डिफ्यूज होगी ये सिचुएशन। खान खान साहब ने आज तक जो एक, क्योंकि उनको एक अपनी उनकी ये उनकी कंस्टिट्यूंसी है इमरान खान साहब की, उसको एंगेज करना चाहते हैं, माचो टाइप डिफेंट, मैं किसी से नहीं डरना होता, जी सर नो मोर टाइप, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बोला नाटर, मैं किसी से मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, गोरे से तो बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैसेज देते ना पाकिस्तानी कौम को, जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी होती है। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी ये ट्रिक किया था जब उन्होंने कहा था कौमी असेंबली में जाकर हेनरी किसिंजर की मुलाकात के बाद कि सुफैद हाथी मुझे कत्ल करना चाहते, उनका ख्याल था कौम बाहर निकल आएगी सड़कों पे और मुझे चढ़ा देगी बांस पे चढ़ा देगी, खैर वो एक अलग कहानी है। तो खान साहब बेसिकली जो उन्होंने आके एक दो इंटरव्यूज दिए हैं, अब डिप्लोमेटिकली आकर आपको याद हो उनके हामी से मादरत के साथ, वो जज्बाती कौम है मेरी तरह भी, कि उन्होंने दो चार लोगों के साथ पहले ऐसे बातें कर दी हैं जो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली खान साहब को थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए थी। वंस यू आर अगर हेड ऑफ द स्टेट एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज होती है, एक मुल्क चलाते हुए वजीर आजम के ऑफिस पे वहां बैठ कर बात कर, मसलन में मोदी साहब के साथ वो सीन कराए थे अगर आपको याद हो, जो इमरान खान ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, जो पहली पहली तकरीर थी जो उन्होंने वहां से बनी गाला से की थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, तो इन्होंने उनके साथ रबते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया मोदी साहब एंड कंपनी ने, तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको याद स्मॉल पीपल लाइक ये बिग प्लेसेस, तो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था, ये नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं सुनते, इश्यू रिमेंबर। अच्छा सादा इतने ये बातें कह भी देते हैं जो कि आपको सम टाइम आपको नहीं कहनी होती, कि आपको आपके एम्बेरसमेंट हो, यू डोंट शेयर इट विद द पीपल, अपने तक रखते हो, स्टेट सीक्रेट भी कुछ चीज है, काल की नहीं उठाई वो गए, आजकल वो कहते हैं नाजन है काल नहीं, एक वहां पे आपका फोन नहीं सुनता, दूसरा फोन करता नहीं है। इस मामले में उन्होंने पूछ लिया, वो जो थे वो आए थे इंटरव्यू करने आए थे, वो नौजवान जो आए थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था, उन्होंने कहा ना आपसे अड्डे मांगे जाए तो, अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अमेरिका में अड्डे नहीं मांगे, आप तो बिल्कुल क्लियर हो गए ना अफगानिस्तान से जिस तरह हाथ धो के गए, उन्हें अड्डे नहीं चाहिए थे यहाँ पे, अभी ड्रोन हमले उन्होंने करने थे कतर से उन्होंने या दुबई से, उन्होंने वहां पे डायरेक्ट उन्होंने कहा ड्रोन वहां से अटैक करके कर रहे, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूछा कि जनाब अड्डे अगर उन्होंने मांग, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। अभी अपने जो मैसेज भेज रहे थे अमेरिकन को, अगर आपने हमें कॉल ना किए, अगर आपने हमारे से मशवरे ना किए तो हम आपके साथ कॉपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार, कॉल करें। उसके बाद मुझे यूसुफ साहब है वो आगे सबसे बड़े सियाणे हैं, उन्होंने फिर कहा देखेंगे ये वहां पे मैं कॉल नहीं कर, मतलब पूरी दुनिया में टेलीफोन कॉल हमारी छेद बन गए, गांव में होते हैं आप भी आप बताए, अगर मरी के देहाती आदमी है हमारे गांव में एक आध बेचारा बंदा जरूर है जिसको पूरा गांव छेड़ बना लेते हैं अपनी किसी ना किसी वजह से, उसका कोई निकनेम रख देगा, आते जाते कोई उसको बात कर देगा तो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो सेम इस वक्त हुई कुछ हो रहा है हमारे साथ कि टेलीफोन कॉल जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी छेड़ बन चुकी है, जो भी इंटरव्यू करने वाला आता है इमरान खान साहब से पहला सवाल ये करते हैं कि जनाब वो देखे बाइडन ने आपको कॉल नहीं की, अब उसके बाद खान साहब क्या कहें। So it's a very tricky issue, लेकिन दुनिया चलाने के लिए मुल्क चलाने के लिए अपनी ईगो ना को ये पीछा करना पड़ता है। हुकूमत ने हमें बेचा ये था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हमने कंट्रोल कर ली है, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, अब वो सारी चीजें हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाते नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी उतने ही मुतमईन है जितना मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं? डॉक्टर साहब पिछले 25 से 30 साल की जो हमारी माशी तारीख है वो रिपीट करते हैं एवरी 3 to 4 to 5 years। उसमें होता यह है कि जो बुनियादी ढांचा है मईशत का वो यरकमाल बना रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिनको हमारे वजीर आजम साहब माफिया भी कहते हैं, जो इकोनॉमी है उनकी वजह से वो कंपेरेटिव नहीं है। सबसे बड़ा माफिया जो है या सबसे बड़ा कार्टेल कहना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि सब बिजली का है,
हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है, बांग्लादेश से 30-35% ज्यादा है। तो हमारी मईशत जो है वो बुनियादी तौर पे कंपीट नहीं कर पाती आलमी दुनिया के अंदर। ये क्यों नहीं सोचते रोज आ जाने लेकिन नवा वजीर खजाना ले आके। थोड़ी सी डॉलर की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए रीजन वो जिस तरह जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इंटर डिपेंडेंट है। अब अफगानिस्तान का दुनिया से ट्रेड नहीं हो रहा, ट्रेजेडी क्या हुई है, अफगानिस्तान की सारी बाइंग पाकिस्तान से हो रही है। जो पाकिस्तान से डॉलर जो है ना, ये जो अमशोर डॉलर ना इम्पोर्ट बहुत बढ़ गई, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, तो एक डॉलर वहां चला गया। दूसरा इंडियन की भी एक ऐसी है कि इंडियन लॉबीज ऐसी कर रही कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको मेरा हाल है किसी हद तक दिमाग भी बनाया जा रहा है और कॉन्शियसली भी किया जा रहा है कि वो होता है कि आप इन्वेस्ट करें डॉलर ले रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, कीमत जा रही है, कीमत जा रही है। तो इतनी डॉलर की डिमांड हो गई है और ये खदशा है, मैं अल्लाह ना करे कि मैं सही साबित हूँ, ये कुछ ही दिनों में 180 हो जाएगा। अल्लाह ना करे यार, नहीं हम ये नहीं कहते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अफगानिस्तान का जो इशू है इतने डिमांड बढ़ गई है डॉलर की, वहां सारा प्रेशर आप पे आ गया। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जी जो इक्तसादी तरक्की है और पैदावार बढ़ाने के लिए खासतौर पर जो कर्ज लेना है ये गलत मुआशी फैसला नहीं होता है, लेकिन अगर कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जाएं तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं जो पीटीआई हुकूमत है क्या कोई गलती कर रही है और क्या जो कर्जों का इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है? देखें इसका एक मसला है ना, एक ये डेट ट्रैप इसे कहते हैं, जब आपका कर्जा जो है इतना ज्यादा हो जाता है तो वो फिर कम नहीं होता, वो फिर आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं क्योंकि उसका सूद देने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। उन्होंने किस तरह ये काम किया और दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क आबादी और फिर हमने किस तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री और किस तरह हमने चीजें करने की कोशिश की और हम रिसर्च में कितना पैसा लगा रहे हैं, हमने एक एक दिन में एक एक करोड़ लोगों करोड़ बंदे को वैक्सीन की। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू शो, ही विल शो द कैपेसिटी of India in terms of dealing with this. और ये जो चीज है obviously ये एक अहम चीज है क्योंकि इंडिया अपने आप को एक मार्केट करेगा प्रॉपरली। गो के इंडिया को अब मार्केटिंग की उस तरह जरूरत नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया इज बींग टेकन एज ए वेरी बिग मार्केट, पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इंडिया for businesses, for trade, for everything.